जाहिर दोस्तों, मान लीजिए कि आपका सीएससी आईडी बहुत दिनों से अप्रूव नहीं हुआ है। सीएससी आईडी अप्रूवल के लिए आप डीएम सर को कॉल कर कर के थक गए होंगे, लेकिन अचानक आज के डेट में आपका सीएससी आईडी अप्रूव हो जाता है तो आपका खुशी क्या होगा वो हम भी नहीं समझ सकते हैं। लेकिन अचानक आपको एक दिन मेल आता है, कंग्रेचुलेशन, वेलकम टू सीएससी फैमिली, तो आपकी खुशी क्या होगी वो भगवान ही जानता होगा। लेकिन आज के इस वीडियोस में उसी खुशी को हम कंप्लीट करने के लिए इस वीडियोस में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि सीएससी आईडी अप्रूव होने के बाद किस तरीके से आप अपने सीएससी आईडी को लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आज के इस वीडियोस में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि आप अपने सीएससी आईडी का जो एड्रेस है किस तरीके से वेरीफाई करेंगे और किस तरीके से आप अपने सीएससी आईडी का शॉर्ट सर्वे को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियोस में हम आप लोग को 100% लॉगिन करके दिखाने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सीएससी आईडी को लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको सर्च कर देना है csc.gov.in। जैसे आप सर्च करेंगे आपको जो है आपके स्टेटस चेक लिंक को ओपन कर लेना है। स्टेटस चेक लिंक को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपने रेफरेंस नंबर को डाल देना है। रेफरेंस आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपको अपने कैप्चर को फिल कर देना है और यहाँ पे आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अकाउंट हैज बीन क्रिएट सक्सेसफुली। यहाँ पे हमारा जो सीएससी का आईडी है वो क्रिएट हो चुका है। जैसे ये आप देखेंगे तो आपका खुशी दुगुनी हो जाएगी। लेकिन इस खुशी को कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को उससे पहले बहुत सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। सभी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको फिर से अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना होगा और यहाँ पे आपको सर्च कर देना होगा सीएससी लॉगिन। जैसे आप सीएससी लॉगिन सर्च करेंगे आपके सामने डिजिटल सेवा पोर्टल सीएससी आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक कर देंगे आपके सामने सीएससी लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। आपको सीएससी लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सीएससी लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर आप पहले लॉगिन कर चुके हैं तो डायरेक्टली आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और आप अपने सीएससी में लॉगिन कर जाएंगे। सो गाइस, फर्स्ट टाइम जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने यहाँ पे आपके शॉप का डाटा अपडेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपके सामने आपका दुकान का नाम, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी फिल रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है सेलेक्ट सब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपको आपके अपने ब्लॉक, पंचायत, विलेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आपके एरिया का जो पिन कोड है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना होगा। साथ ही साथ आपका जो शॉप है वो कहाँ पे है यहाँ पे आपको फुल एड्रेस फिल कर देना होगा। फुल एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे आपको शॉर्ट सर्वे का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। शॉर्ट सर्वे में आपको 12 क्वेश्चन दिख जाएंगे, यहाँ पे आपको 12 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछा जाएगा डू यू लाइब्रेरी ट्रांजेक्शन टू डिजिटल सेवा पोर्टल। अगर आप डिजिटल सेवा पोर्टल से ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको यस कर देना है, अगर आप नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको नो कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा इज पीएम दिशा एप्लीकेशन यूज फॉर द स्टूडेंट इन योर एरिया डिस्ट्रिक्ट। अगर है तो यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा हैव यू इंस्टॉल द डीजीपे एप्लीकेशन एंड डू यूज द सर्विस रेगुलरली। अगर करते हैं तो यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा क्या आप अपने सीएससी सेंटर पे क्या बैंकिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा क्या आपके पास आईरिस डिवाइस भी है। अगर है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पूछा जाएगा क्या आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है। अगर है तो यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। सो गाइस, यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिल्कुल आसान सी क्वेश्चन रहता है, आप देख के आसानी से यहाँ पे यस नो को फिल कर सकते हैं। जब आपका यस नो का सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे देते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको
सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा। सो गाइस जैसे आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने सर्वे सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ देर वेट करना है, आप ऑटोमेटिकली डायरेक्टली आप अपने सीएससी आईडी में लॉग इन कर जाएंगे। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपने सीएससी आईडी को यहाँ पे लॉग इन कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से आप सभी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली आप अपने सीएससी आईडी में आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। तो गाइस आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर नहीं माना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई और सुझाव है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स के द्वारा जरूर बताइएगा। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियोस में किसी और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।